रिले पावर ऑटो मल्टीपोर्ट वाल्व को प्रोग्राम करना बताऊंगा मैं आपको। ये सारे मेरे स्टेटस इंडिकेटर हैं, लॉक, टाइम, सेट। ये मेरा टाइम मोड है, डी मतलब डे और एम मतलब मिनट्स। ये मीटर मोड है, ये फिल्टर वॉल्व है, इसके अंदर टाइम मोड ही वर्क करेगा। और सॉफ्टवेयर में मीटर मोड होता है, मीटर मोड में मीटर क्यूब पर आर मतलब फ्लो रेट, और मीटर क्यूब मतलब कितना पानी आपका, कितने लीटर पानी आपका जा चुका है, वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। उसके बाद ये मेरे स्टेज इंडिकेटर्स हैं, सर्विस, बैकवॉश और रेंस। ये मेरे चार बटन हैं, एंटर, एग्जिट, डाउन, अप। अभी मेरा ऑटोमेटिक पोर्ट वॉल्व इस टाइम पे लॉक स्टेज में है, तो पहले इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए डाउन और अप बटन को प्रेस करें एक साथ 2 सेकंड के लिए। यहाँ पे मेरी LED बंद हो गई, मतलब ऑटोमेटिक पोर्ट वॉल्व इस टाइम पे अनलॉक हो चुका है। जब भी टाइम डिस्प्ले होगा तो टाइम के साथ में उसके यहाँ पे LED ऑन होगी। अभी 3:47 हो रहे हैं, इसमें हम टाइम सेट करते हैं 24 आवर के मोड में। और जब हमारा सर्विस डे हो रहा है तो अभी हमारी डे के अंदर सेटिंग है, जिसमें रन, डे वन नेट है, और पॉइंट के बाद वाला जो टाइम आया डिस्प्ले हुआ था अभी आपके सामने, वो था आर्स। सेटिंग करने के लिए प्रेस एंटर बटन। सबसे पहले हमारे को टाइम सेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड क्लॉक। अभी मेरा टाइम हो रहा है 3:48, तो अभी मेरा ऑलरेडी सेट है, इसलिए मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। अगर आपको सेट करना है तो प्रेस एंटर बटन, आप अप डाउन बटन से इसको ठीक जो भी आपका टाइम हो रहा है उसको सेट कीजिए। और अभी मेरा 3:48 हो रहे हैं, प्रेस एंटर बटन, मिनट को सेट कीजिए, जो भी जितने भी मिनट्स होंगे उस टाइम पे। उसके बाद प्रेस एंटर बटन, सेव करिए टाइम को। जब आपका टाइम यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर कॉन्स्टेंटली कॉन्टीन्यूसली चलने लग जाएगा, इसका मतलब आपका डाटा सेव हो चुका है जो आपने टाइम सेट किया हुआ है। प्रेस डाउन बटन। अब आ रहा है रन के साथ में डी। अब डी का मैंने बताया ये डेज है और ये है। अगर पॉइंट से पहले आपको आर्ट्स और पॉइंट के बाद में आपको मिनट्स चाहिए, तो फिर आप डाउन बटन, अप बटन को 2 बारी प्रेस कीजिए। 2 बारी प्रेस करने के बाद एच की सेटिंग मिलेगी। एच की सेटिंग के अंदर आपको 01 और 00 की सेटिंग होगी। प्रेस एंटर बटन। दो मोड है आपके पास, 00 कर देंगे तो पॉइंट से पहले आपको आर्स और पॉइंट के बाद आपको मिनट मिलेगा, और अगर आप 01 कर देंगे तो आपको पॉइंट से पहले डेज और पॉइंट के बाद में आर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आप प्रेस एंटर, मेरे को 01 चाहिए तो मैं इसको एंटर दबा के सेव कर दूंगा। प्रेस डाउन बटन फॉर 2 टाइम्स। मैं रन स्टेज पे वापस आया, मेरे को 1 दिन 12 घंटे के लिए अपना सर्विस टाइम रखना है, तो फिर मैं मेरे को क्या करना है, प्रेस एंटर बटन। मेरा 1 दिन सेट है, अगेन प्रेस। अब मेरे को 8 सेट करने हैं, उसको मैं 12 सेट करूंगा अप बटन से। ये मैंने एक दिन मतलब 1 डे और 12 आवर्स के लिए अपनी सर्विस टाइम को सेट कर दिया, और प्रेस एंटर बटन सेव। प्रेस डाउन बटन। ये है 2 मतलब मेरा बैकवॉश, ये एम मतलब मिनट्स, और ये मेरा बैकवॉश रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे मिनट्स हैं। अब मेरे को मिनट्स को एडिट करना है। एंटर करा, मेरे को 30 मिनट्स के लिए बैकवॉश चाहिए, तो मैं इसको अप करूँगा। मैंने सेट किया 30। प्रेस एंटर बटन। प्रेस डाउन बटन, सेव कर दिया। उसके बाद डाउन बटन को प्रेस करें। 3 मतलब रिंस, अभी ये 01 मतलब मिनट्स, एम मतलब यूनिट डिस्प्ले, और ये वाली आपका इंडिकेटर ऑन। प्रेस एंटर बटन। मेरे को 20 मिनट्स के लिए इस टाइम पे रिंस चाहिए, तो मैं इसको 20 मिनट्स रिंस करूँ। प्रेस अप बटन फॉर 20। प्रेस एंटर बटन सेव। प्रेस डाउन बटन आ गया। ये मोड्स हैं। अगर आप ये फिल्टर वॉल्व है, इसके अंदर हम 02 मोड सेट करेंगे, और इसमें 5 मोड्स अवेलेबल हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मैनुअल या लिंक्स में मिलेगा। प्रेस एंटर बटन। चेंज 02। प्रेस एंटर सेव।
प्रेस डाउन बटन। 99.0 मतलब डिले बैक वॉश। आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपको डिले बैक वॉश चाहिए तो आप उसको 24 आवर्स के फॉर्मेट में एंटर कर दीजिए उस टाइम को। और 99 मतलब डिले बैक वॉश कैंसिल है। अगर आप इसको 23 से 24 आवर्स के टाइम में कोई जो भी आपका मल्टीपोर्ट वॉल का टाइम है उसके रिस्पेक्ट में जो भी आप डालेंगे, जिस भी टाइम को आपको स्पेसिफिक बैक वॉश चाहिए आप वो टाइम डालिए, आपको उसी टाइम पे बैक वॉश स्टार्ट हो जाएगा। और अभी मेरे को आगे वाले आवर्स पीछे वाले मिनट्स सेट करिए, फिर उसके बाद अभी मेरे को डिले बैक वॉश कैंसिल करना है तो मैं इसको 99 डाल के छोड़ दूंगा। प्रेस एंटर बटन, प्रेस एंटर सेव, प्रेस डाउन बटन एल, L01 मतलब L का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स बैक वॉश, आपको कितने टाइम्स बैक वॉश करना है बैक टू बैक। सपोज आपका वन टाइम में बैक वॉश करने के बाद आपका हार्ड वाटर आता है तो आपको नेक्स्ट टाइम मतलब फिर से बैक वॉश चाहिए तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, बैक टू बैक वॉश मतलब सर्विस स्टेज में नहीं जाना चाहते लेकिन बैक वॉश में नेक्स्ट स्टेज चाहते हो तो इसमें प्रेस एंटर बटन। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 8 टाइम्स आप बैक वॉश बैक टू बैक कर सकते हैं। अप डाउन मेरे को वन टाइम ही करना है तो मैं उसके अंदर प्रेस एंटर कर दूंगा। प्रेस एंटर करने के बाद डाउन बटन फिर से प्रेस किया, एच की सेटिंग्स मैं बता चुका हूँ आपको। फाइनली सेटिंग बटन सेटिंग मोड से हमें एग्जिट करना है तो एग्जिट कर देंगे। मैं जो भी मैंने टाइम सेट किया था जैसे कि मैंने बताया था आपको, पॉइंट से पहले मेरे डेज और पॉइंट के बाद मेरे मिनट्स आर सारे आते हैं और डी के अंदर मेरा इंडिकेटर और रन और टाइम में जो मैंने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग मेरे को 4 मिनट हुए हैं तो इस वजह से मेरा जो भी सेट था वो मैंने 3:52 आ रहा शो है स्क्रीन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द